मैं इस अधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं, और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करे, इसलिए पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, सरकार जब हम बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं सरकार न बने। मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। इसलिए अगर जिम्मेदारी दी है, मेरे तमाम हमारे नेता जो मंच पर बैठे हैं, दाएं हाथ पे खड़े हैं, बाएं हाथ पे खड़े हैं और सामने खड़े हैं, और जो अभी तक आ रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए दी है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की एक बार और सरकार बने, इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और कोई ये नहीं कह सकता नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है वो मैं समझता हूं हम सबके लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे, न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने, देश के सामने कह सकता हूं जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं।